हेलो स्टूडेंट, हमारा जो प्रीवियस आपका लेक्चर था उसके अंदर हमने डिस्कस किया था सम प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल्स। कुछ प्रॉपर्टीज थी, सिक्स प्रॉपर्टीज थी, ठीक है, वो आपको याद होनी चाहिए। एक बार दोबारा से देख लीजिए, फिर लिख करके लिख रहा हूँ। नंबर वन है इंटीग्रल ऑफ एक्स के माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2a log ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। आज भी हम इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी है इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2a लॉग ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स इज मोर प्लस सी। एंड थर्ड प्रॉपर्टी इज इंटीग्रल ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इट इज इक्वल टू 1/a टेंजेंट इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। फोर्थ प्रॉपर्टी इज इंटीग्रल ऑफ 1/a² माइनस x² इट्स स्क्वायर इट्स इंटीग्रल इज साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। फिफ्थ इज इंटीग्रल ऑफ ए स्क्वायर प्लस x² इट्स स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस एल ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर इज स्केयर प्लस सी। और प्रॉपर्टी नंबर सिक्स इज इंटीग्रल ऑफ एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर इज स्केयर इट इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर इज स्केयर प्लस सी। तो सिक्स प्रॉपर्टी है मेरा, ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। दोबारा से लिख दी गई है, आप इनको पूरी तरह से याद करें। अब देखिए, जो इनको तो यूज करेंगे क्वेश्चन में, इससे कुछ एक्स्ट्रा भी करेंगे। ये काम हम कर चुके हैं प्रॉपर्टी को यूज करना। अब देखिए, आज जो हम इंटीग्रल करेंगे वो इस टाइप का होगा पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स के प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स के प्लस बी एक्स प्लस। या तो ये इस टाइप का हो या ये इस टाइप का हो पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इट्स स्क्वायर। जी बेटा, इन दोनों में से कोई भी टाइप हो तो इन दोनों के लिए हम हमारे पास सेम पैटर्न है। इसको याद कैसे करते हैं? ऊपर तो लीनियर, नीचे क्वाड्रेटिक, ऐसे याद करेंगे। ऊपर तो लीनियर है, नीचे क्वाड्रेटिक, यहाँ पे भी ऊपर लीनियर है, नीचे क्वाड्रेटिक है, यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा हुआ, बस इतना सा डिफरेंस है, क्लियर। तो ऊपर लीनियर अगर नीचे क्वाड्रेटिक हो तो सॉल्व कैसे करते हैं देखिए। इसके लिए हमारे पास पैटर्न है जो पी एक्स प्लस क्यू है, पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक ए एक्स के प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस दूसरा क्वेश्चन मानेंगे बी में। ये तो जो लीनियर है उसको किसके इक्वल मान के चलेंगे, एक कांस्टेंट है a, फिर यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ इस क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव क्या प्लस b, आप a और b की वैल्यू निकालेंगे, a और b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इसके अंदर रखेंगे। तो कैसे आए देखिए, वैसे आप क्या करेंगे, ये a तो ले लीजिए, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा 2ax प्लस b प्लस कैपिटल b, यहां से आपके पास आ गया 2a * ax प्लस बी ए प्लस बी या और यहाँ पे है पी एक्स प्लस क्यू। तो कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे, यहाँ पे ऐसा कोफिशिएंट 2a है, यहाँ पे p है, तो 2a इज इक्वल टू p, तो कैपिटल a की वैल्यू निकल जाएगी, कैपिटल a इज इक्वल टू p बाय 2, ठीक है। फिर कॉन्स्टेंट हम इक्वेट करेंगे तो ये है बी ए प्लस कैपिटल b इज इक्वल टू क्यू, a की वैल्यू यहाँ के पास है तो b इज इक्वल टू क्यू माइनस बी ए, क्यू माइनस बी ए की वैल्यू ये थी क्या है बी बाय टू ए, ये पी बाय टू ए की वैल्यू। तो यहां से सिंप्लीफाई करेंगे तो ए भी आ जाएगा और बी भी आ जाएगा, ठीक है, ये टेक्निक याद है। तो क्या करेंगे, लीनियर को माना, लीनियर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस अनदर कॉन्स्टेंट, सिंप्लीफाई करके कोफिशिएंट इक्वेट करके ए और बी की वैल्यू निकालेंगे, फिर ए और बी की वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से अच्छी प्रैक्टिस होगी। तो याद रखिए, यह आपके पास टाइप नंबर सी है, ये टाइप है ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक,
या क्वालिटी का रूप भी हो सकता है, दोनों में पैटर्न एक ही फॉलो करेंगे। तो क्वेश्चन देखिए, हमारे पास एक क्वेश्चन है 4x+1। क्वेश्चन नंबर 14 है, इंटीग्रेट 4x+1 अपॉन 2x² + x-3। 2x² + x-3 इट्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन है, ये बेटा ये सॉल्व करना है। तो दिखाई दिया ना, ऊपर तो क्या है लीनियर, तो नीचे क्या है क्वाड्रेटिक। तो सॉल्व करने का पैटर्न अभी आपको बताया था। सॉल्व कैसे करेंगे, लेट 4x+1 = 8। इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट लीजिए, यह आएगा 2x² का 4x + x^1 = 3 प्लस बी। ऐसे लिखेंगे आप, ये लीनियर इक्वल टू के, किसका डायरेक्ट क्वाड्रेटिक का 2x² का 4x x^1 + 3। तो ये आपके पास आएगा 4ax + a + b, और ये हुआ 4x+1। कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म्स, ठीक है। यहां से 4a = 4 मिल जाएगा एंड a + b = 1 मिल जाएगा। 4a = 4 है तो a यहां से 1 आता है, जब a को 1 रखोगे तो b यहां पे 0 मिलेगा। a की वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू 0। अभी हम इस इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज इन नंबर 1, क्या मिलेगा आपको 4x+1 = a की वैल्यू 1 है, तो ये आ गया 4x+1, ठीक है, b की वैल्यू 0, तो ये 4x+1 ही आता, ठीक है, क्लियर है। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन तो क्या है कि नीचे ये फंक्शन मिलेगा, इसकी पावर और डेरिवेटिव, इसको हम बगैर सिम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको पैटर्न पूरा सिखाया गया, क्लियर। 4x+1 को आप 4x+1 ही रख सकते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन करेंगे तो उसमें डिफरेंट वैल्यू आएगी, ठीक है। ये क्या सॉल्व करता है कि इसका डेरिवेटिव ये मिलेगा। देखिए, अगर आप ये काम ना भी करते और आपको माइंड में चला जाता कि हाँ इसका डेरिवेटिव ये, तो आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन को, तो यहां पे तो आपको ये चीज बुक करने का प्रॉफिट हुआ नहीं, ठीक है, क्यों नहीं हुआ। देखिए, ये जो क्वेश्चन आपके पास है, ये आपके पास है 4x+1 / 2x² + x-3 इस स्केल रूट ये। तो ये इसको आप ऐसे कर सकते थे कि 2x² + x-3 इसकी पावर -1/2 × 4x+, ये क्वेश्चन ऐसे होता बेटा। ये फिर ये फंक्शन ये इसका डेरिवेटिव और फंक्शन की पावर, ये तो आपको याद ही होगा, फंक्शन की पावर हो, फंक्शन की पावर साथ में डेरिवेटिव, फंक्शन की पावर 1 इंक्रीज कर देते हैं, तो क्या होगा, ये जाएगा 2x² + x-3, इसकी पावर 1 इंक्रीज करोगे तो 1/2 हो जाएगा अपॉन 1/2 + क्यों हुआ, ये लिखना पड़ेगा, फंक्शन की पावर हो तो साथ में उसका डेरिवेटिव, तो क्या होता है, फंक्शन की पावर को आप 1 इंक्रीज कर देते हैं, n+1 / n+1 + ये फॉर्मूला फिट करते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 यहां पे आ जाएगा, ये हो गया 2x² + x-3 √+ ये, क्लियर। लेकिन ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर इस क्वेश्चन में ये इसका डेरिवेटिव नहीं मिलता तो प्रॉब्लम होती ना, तो उस पैटर्न से सॉल्व करना है, क्लियर। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखिए बड़ा
ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 21 होगा। 21 क्वेश्चन को देखते हैं। इंटीग्रेट x प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री इस स्क्वायर, ये सॉल्व करना है। चलिए तो इसको भी इस पैटर्न से ही करना है, तो सॉल्यूशन करेंगे इस पैटर्न से ही करेंगे। पैटर्न में क्या था, लेट x प्लस टू इक्वल टू a, क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x प्लस टू प्लस b, ऐसे लिख रहा है ये। तो ये आपके पास आ गया 2ax प्लस 2a प्लस b, वो ये है x प्लस टू। क्या करेंगे, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म, ये आपको मिलेगा 2a is equal to 1 and 2a plus 3 is equal to 2. यहां से कंपेयर किया तो 2a is equal to 1, इट्स मीन a is equal to 1 by 1 and b की वैल्यू क्या है, b is equal to 2 minus 2, 2a की वैल्यू 1 है, 2 minus 1 1 आ रहा है, b की वैल्यू 1 आ रहा है। यहां पे रखिए बस के अंदर सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, फल ये पुट कर दे क्या मिलेगा आपको, x प्लस 2 इज इक्वल टू a की वैल्यू 1 बाय 2, ये 1 बाय 2, ये 2x प्लस 2 b की वैल्यू 1। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें ना तो उसे 2 कैंसिल होगा, x आ जाएगा, ये 1 प्लस 1 2 किसके इक्वल आना चाहिए। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करना नहीं है, करेंगे तो बात कर रहा हूं मैं, उसे 2 कैंसिल होगा ये x आ जाएगा, फिर ये 1 बाय 2 इंटू 2 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 तो इसके इक्वल ही है, इसका तो आपने ठीक कर रखा है, ए और बी की वैल्यू आपके पास करेक्ट है, पता इससे पता लगता बेटा कि ए और बी की वैल्यू आपके पास करेक्ट आ गई। अब देखिए जो आपके पास इंटीग्रल है, सो इंटीग्रल x प्लस टू अपॉन x स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री इस स्क्वायर इसी कल टू में x प्लस टू की वैल्यू क्या पुट करेंगे, ये पुट करेंगे, करिए ये देखेंगे 1 बाय 2 टू एक्स प्लस टू प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री इस स्क्वायर, ये पुट किया ठीक है। ये पुट करने के बाद अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए अलग अलग करते हैं, एक बार इसके नीचे करेंगे तो 1 बाय 2 बाहर जा रहा है, यह आपको मिला 2x प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इट्स स्क्वायर, ये मिला। फिर नेक्स्ट मिला 1 अपॉन 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इट्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन हो गया आपका ये। अब इसके अंदर तो ये सॉल्व करना है और ये सॉल्व करना है, देखिए तो सिंपल सा ऐसा होता है, यही कर देता है इसको, जैसे लिखेंगे इसको ये 1 बाय 2 इसको ऊपर लिख लीजिए x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इसकी पावर माइनस 1 बाय 2 इंटू 2x प्लस 3, ये क्लियर। फिर ये आ जाइए प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 बाय x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इससे स्क्वायर, ये तो देखिए ये फंक्शन इसकी पावर डेरिवेटिव, तो क्या मिलेगा फंक्शन, फंक्शन की पावर डेरिवेटिव 1 बाय 2, तो फंक्शन की पावर में क्या करेंगे 1 ऐड कर देंगे, तो माइनस 1 बाय 2 है तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इसकी पावर हो जाएगी 1 बाय 2 फिर अपॉन 1 बाय 2, क्लियर। फंक्शन उसकी पावर डेरिवेटिव, फंक्शन की पावर को 1 से इंक्रीज किया तो ये हो गया हमारे सर बाय 2 प्लस 1 बाय 2 वही नीचे। अब ये पार्ट आपके पास बचा प्लस
ये क्या बचा हुआ है, वन अपॉन ये वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू का स्क्वायर। ये कल आपने सोल्व किया था बेटा, याद करिए। तो कैसे सोल्व करते हैं इसको, कंप्लीटिंग स्क्वायर करके। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर यही करते थे, कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे करते थे, कंप्लीटिंग स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ एक्स का हाफ करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब उसका हाफ करेंगे तो वन आएगा, वन ऐड करेंगे वन माइनस का। ये ऐसे कंप्लीटिंग स्क्वायर कल सोल्व किए थे, क्वेश्चन जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर सोल्व किए थे। तो वन बाय टू से वन बाय टू कैंसिल हो गया, ये देखिए क्या मिला आपको, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री की पावर वन बाय टू, मतलब इसका स्क्वायर रूट। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर से सोल्व करना है तो क्या है, ये टर्म ये तो ये कंप्लीट स्क्वायर बनेगा, किसका बनेगा, एक्स प्लस वन का। सो एक्स प्लस वन का स्क्वायर टू थ्री क्या बचेगा, इसको यूज किया इसको इसको, तो थ्री माइनस वन टू बच गया, ये टू इसके ऊपर स्केल रूट, क्लियर, इसको रूट टू का स्केल। ठीक है, देखिए सॉल्व हो चुका है, एक्स स्केल प्लस टू एक्स प्लस थ्री इट्स स्केल। इसको सॉल्व कैसे कैसे करते हैं, है कुछ फॉर्मूला माइंड में, ये फॉर्मूला किस टाइप का है, वन बाय एक्स स्केल प्लस ए स्केल इट्स स्केल रूट। हमें लिखवा था क्या होता है, लॉग ऑफ एक्स प्लस सी एज इट इज, तो लगा दीजिए फॉर्मूला, लॉग ऑफ एक्स कितने एक्स प्लस वन है, लॉग ऑफ एक्स प्लस वन प्लस ये एज इट इज, इसका मेन बेटा ये एज इट इज। देखिए जब ये लिखेंगे तो ये और ये एक ही बात है, तो ये लिखेंगे तो ये और ये एक ही बात है, तो क्या आएगा, एक्स के प्लस टू एक्स प्लस थ्री इससे स्केल। ये सॉल्व हो गया बड़ा क्वेश्चन, ये आसान क्वेश्चन, दोबारा देख लीजिए। जब आप इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपके पास टू पार्ट होते हैं, एक पार्ट तो ये होगा, ये तो सिंपल पार्ट आएगा कि आप फंक्शन की पावर साथ में डेरिवेटिव, ये आपके पास ऐसे आएगा, इसको कंप्लीट एंड स्क्वायर करके आप सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन आपका ऐसे सॉल्व होगा। क्लियर बेटा, आप इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए सेकंड टाइम देखते हैं, जब यहां पे स्क्वायर रूट ना हो, इसमें तो क्या था यहां पे स्क्वायर रूट, अगर स्क्वायर रूट नहीं होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, वो भी क्वेश्चन करेंगे। देखिए बेटा एक क्वेश्चन नंबर 22 है वो सॉल्व करते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है आपको एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फाइव, ये है इसको आप सॉल्व करेंगे, इसमें स्क्वायर रूट नहीं है, पैटर्न तो वही है, पैटर्न आपके पास वही है, ये किसका सोल्यूशन, सोल्यूशन में क्या करेंगे, इसको पहले आई कंसीडर कर लीजिए, राइट, आई की बता दीजिए, क्या स्कोर करते थे, एक्स प्लस थ्री इक्वल टू ए, है ना, लीनियर और क्वाड्रेटिक है तो लीनियर को लिखा ए इंटू इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, टू एक्स माइनस टू, एक्स स्क्वायर का टू एक्स इसका माइनस टू प्लस बी, ये नंबर वन, यहां से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिलेगा टू ए एक्स माइनस टू ए प्लस बी एक्स प्लस थ्री, कंपेयरिंग कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स, ये टू के इक्वल टू वन होगा एंड माइनस टू ए प्लस बी इक्वल टू थ्री होगा, तो टू ए इक्वल टू वन का मतलब ए इक्वल टू वन बनेगा, यहां से टू ए इक्वल टू वन है तो माइनस वन प्लस बी इक्वल टू थ्री बी इक्वल टू फोर, ये वाला रख के देखते हैं, यहां पे वन में रखिए सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर वन, एक्स प्लस थ्री इक्वल टू ए की वैल्यू वन बाय टू रखा बेटा, वन बाय टू रखोगे तो ये टू एक्स माइनस टू, बी की वैल्यू क्या है फोर,
क्या ये इसी के इक्वल है? x प्लस थ्री के देखते हैं, ये 1/2 कैंसिल हो गया, x बच गया बिल्कुल ठीक है, ये 1/2 -2 -1 हो गया, +2 -1 +4 3 बिल्कुल करेक्ट है, मतलब ए और बी की वैल्यू ठीक है, ए और बी की वैल्यू ठीक है, तो ए और बी की वैल्यू आपने यहाँ पर क्लियर। तो क्या लिखेंगे आप, जो x प्लस थ्री है इसको आप इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। सो इंटीग्रल x प्लस थ्री अपॉन x के -2x -1, तो x प्लस थ्री की वैल्यू क्या मिलेगा, x प्लस थ्री की वैल्यू मिली 1/2 2x -2 4 अपॉन x के -2x -1। क्या करेंगे बेटा, अलग अलग कर दीजिए, अलग अलग करेंगे, इसके नीचे करेंगे तो 1/2 तो बाहर दे दीजिए, वो होगा 2x -2 अपॉन x के -2x -5, ये मिला। सेकेंड क्या मिला, 4 को बाहर कर दीजिए, 1 अपॉन x के -2x -5, ये आपको ठीक है। ये दोनों पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट तो आपको दिखाई दे रहा है कुछ ना कुछ, बिल्कुल नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 2x -2x2, तो क्या मिला, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो क्या होता है उसका लॉग ऑफ फंक्शन, मिला लॉग x² -6 2x -5। क्लियर, ये सॉल्व करना है, ये पार्ट सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, कंप्यूटिंग द स्क्वायर करके सॉल्व करेंगे, ये भी आपका चुका है ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो सॉल्व कर लिया, ये प्लस 4 निकलो, कंप्यूटिंग स्क्वायर करके करना है तो x² -6 2x -5 है, फंक्शन का x -2 उसका हाफ -1 ठीक है, उसका स्क्वायर 1, तो 1 ऐड करेंगे 1 माइनस, क्लियर, ये लेंगे इसलिए वो स्क्वायर बढ़ेगा। देखिए फर्स्ट पार्ट तो सॉल्व हो गया, क्या मिला 1/2 log of x² -2x -5 इट्स मोर, ये 4 प्लस 4 ये कर देंगे, ये और ये तो ये मिलेगा x -1 का स्क्वायर, ये है x -1 इस होल स्क्वायर, ठीक है ना। इस टर्म को कौन से लिख दिया आपने, इसको इसको, फिर क्या बचा -6 क्या लिखे, -6 का स्केलर, स्केलर फॉर्म में था हमारे पास, तो ये तो आपके पास सो होगा 1/2 log of x² -2x -5 का, ये फॉर्मूला x² - a² 1 अपॉन x² - a² याद है, 1/2a log of x - a x + a, ये बेटा लिख देता हूं यहां पे 1 अपॉन x² - a² का फॉर्मूला 1/2a log of x - a upon x + a, ठीक है, ये फॉर्मूला ऑपरेट किया है, इस 2 से 4 कैंसिल कर दो तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये 1/2 log of x² - 2x - 5 +2/√6 log of x - 1 - √6 x - 1 + √6, ये क्लियर, ये क्वेश्चन ठीक है बेटा। अब एक देखने वाली चीज है बेटा, इसके अंदर जो इंपोर्टेंट चीज है, देखिए अगर आपके पास डेरिवेटिव मिला, सॉरी अगर आपके पास स्क्वायर रूट मिला तो फार्मूला कौन सा बढ़ेगा, इस पार्ट में स्क्वायर रूट में क्या बढ़ेगा, फंक्शन की पावर उसका डेरिवेटिव, अगर स्क्वायर रूट नहीं है तो क्या बढ़ेगा, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, ये फार्मूला तो याद रखिए, जो इसका डिफरेंस है इन क्वेश्चनों का आपके माइंड में हो जाना चाहिए। तो डिफरेंस देखिए क्या पड़ेगा, डिफरेंस आपके मन उसमें क्या पड़ेगा बेटा, ax + b
अपॉन ए एक्स के प्लस बी एक्स प्लस एक तो ये मिले, सेकंड आपको ये मिले ए एक्स प्लस बी अपॉन ये ए एक्स प्लस बी। देखिए एक बात याद रखिए, इसको सी एक्स प्लस डी लिख लो बेटा, एक ऐसे लिख लो यहां पे पीछे लिख लेना, चेंज कर लेना, ये ए एक्स में सी एक्स सी एक्स प्लस डी, ये भी सी एक्स प्लस डी क्योंकि कोफिशिएंट इक्वल हो सकते ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस, ये भी अलग कर लो इसको ई कर लो ये। तो अगर पीछे चेंज कर लेना बेटा, क्योंकि ये ए एक्स प्लस बी, अगर ए एक्स प्लस बी करो ना ऊपर तो फिर इसको ऐसा ए एक्स प्लस बी लिख रहा हो फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, बस ये याद करना है कि तो लीनियर नीचे पार्ट सी एक्स के प्लस बी एक्स प्लस ये कर दीजिए तो नेक्स्ट हो जाएगा ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स के प्लस बी एक्स प्लस ई इसका स्क्वायर। ये तो इन्हें बेसिक डिफरेंस कहाँ रहा, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, एक पार्ट में फर्स्ट पार्ट में ऊपर फंक्शन नीचे डेरिवेटिव तो लॉग ऑफ फंक्शन होगा, जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, फंक्शन की पावर इंटू डेरिवेटिव, क्या मिलेगा फंक्शन की पावर इंटू डेरिवेटिव, एक पार्ट सॉल्व हो जाएगा, बाकी इसका भी कंप्लीट स्क्वायर करके करना है, सेकंड पार्ट इसका भी कंप्लीट स्क्वायर करके करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं बेटा, आज जो आप करेंगे 7.4 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, 7.4 को कंप्लीटली सॉल्व करेंगे।